हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमेजिंग गार्डन ऑफ अंतिम। फ्रेंड्स, इन सुंदर से फ्लावर के साथ स्वागत है आपका अमेजिंग गार्डन में। और फ्रेंड्स, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो परमानेंट प्लांट होते हैं और उनमें साल भर ही फ्लोरिंग होती रहती है। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही प्लांट के बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, इस प्लांट का नाम गिलार्डिया प्लांट है और इनके फ्लावर को ब्लैंकेट फ्लावर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो है इसकी तीन वेराइटी है। एक आप देख सकते हैं येलो कलर के फ्लावर में है, एक मेरे पास रेड कलर के फ्लावर है इसके, और एक इसी के मेरे पास जो है रेड ऑरेंज शेड में है, कुछ ऐसा शेड है। तो मेरे पास इसकी तीन वेराइटी है फ्रेंड, और ये भी रेड ऑरेंज शेड में है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसकी फुल टिप्स के बारे में बताऊंगी, हम इसे कैसे ग्रो करें, हमारे गार्डन में जो है फ्लावर बने रहे। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, इसमें ये एक समर फ्लोरिंग प्लांट है। वैसे तो इसमें साल भर फ्लोरिंग होती है, लेकिन समर में गर्मी टाइम में इसमें बहुत ही ज़्यादा फ्लोरिंग होती है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट में जो फ्लोरिंग होती है, तो ये फ्लावर कहीं दिनों तक जो है अपने गार्डन में रहते हैं, प्लांट पर रहते हैं। ये 10-15 दिन तक तो फ्लावर रहते हैं इसके इन प्लांट पर। और फ्रेंड्स, एक ही प्लांट में इतने सारी फ्लोरिंग होती है कि हमारा जो गार्डन है पूरा फूलों से महक जाता है। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट जो है, इस प्लांट को मैंने जो है अभी नवंबर अक्टूबर में ही इनके सीड्स से और कुछ कटिंग से ग्रो करे थे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस प्लांट को हमें कैसे ग्रो करना है। तो हम फ्रेंड्स, इस प्लांट को है, हमारे पास अगर एक पौधा रेडी भी हो जाता है तो हम एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे रेडी कर सकते हैं। हम इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, या फिर हम इन फ्लावर को जो है सूखने दें इन प्लांट पर ही, और उसके बाद इसके सीड्स को हम जो है डाल देंगे तो बहुत सारे पौधे रेडी हो जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे वैसे भी इनमें फ्लावर सूख जाते हैं, इनके सीड्स जो है उड़ जाते हैं, दूसरे पॉट में भी गिर जाते हैं और इन्हीं पॉट में भी गिर जाते हैं, तो इनमें भी जो है पौधे रेडी हो जाते हैं। आप देख सकते हो, ये इनमें भी फ्लावर गिर गए होंगे और इनमें जो है इनके फ्लावर जो सीड्स बन जाते हैं, तो वो गिरने के बाद जो इसमें भी पौधे, छोटे छोटे पौधे रेडी हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसके जो सीड्स होते हैं वो भी बहुत ही सुंदर होते हैं। जब ये फ्लावर, वैसे सूखने वाला ही ये, सूखने के बाद बहुत ही सुंदर होता है। और जिसको पता नहीं होता है फ्रेंड्स, तो वो जब बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा फ्लावर एक साथ सूख जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये जो है फ्लावर ही है। बहुत से को पता नहीं होता है फ्रेंड्स, वो बोलते रहे बहुत ही सुंदर फ्लावर है, फिर फ्रेंड्स उनको बताना पड़ता है कि ये फ्लावर नहीं, सीड्स है। तो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है, वैसे तो जो गिलार्डिया प्लांट है, इस प्लांट को अपने गार्डन में 1.5-2 साल तक बना रहता है। एक बार लगाने के बाद इसकी केयर करते रहो, और फ्रेंड्स इसकी कटिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट बहुत ही घना हो जाएगा, और घना होगा तो फ्लोरिंग भी ज़्यादा ही होगी। तो फ्रेंड्स, ये अपने गार्डन में जो है 1.5 साल तक बना रहता है, उसके बाद हमें इस प्लांट को ग्रो करना पड़ता है फिर से। तो फ्रेंड्स, हम इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, और वैसे हम नहीं भी लगाते तो 1.5 साल जो इसमें बहुत सारी फ्लोरिंग होती है, तो मैं आपको बता ही रही हूँ कि इनके सीड्स उड़ जाते हैं, दूसरे पॉट में भी गिर जाते हैं, इसी पॉट में भी गिर जाते हैं, तो इन्हीं में पौधे रेडी हो जाते हैं। और हम इनके सीड्स को कलेक्ट करके भी रख सकते हैं, फिर से हम इन्हें ग्रो करें, क्योंकि ये प्लांट 1.5-2 साल तक ही रहता है, उसके बाद हमें वापस से जो इनको ग्रो करना पड़ता है। और फ्रेंड्स, इस प्लांट में जो आप देख सकते हो, मैंने इनको पॉलीथिन्स में भी लगा रखा है, छोटे छोटे पॉट में इनको ग्रो कर रखा है। ये जो थोड़ी सी बड़ा पॉट है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, हर मैंने छोटे छोटे पॉलीथिन्स में भी ग्रो कर रखे हैं इन प्लांट को। और फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ इनके सीड्स जो है दूसरे पॉट में भी गिर जाते हैं, तो प्लांट रेडी हो जाता है। और फ्रेंड्स, मुझे खुद को भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने इस वाले पॉट में तो ये वाला प्लांट लगा रखा था, और इसके पास जैसे और भी पौधे रखे ही रहते हैं वाले, तो इनके सीड्स गिर गए होंगे। तो आप देख सकते हो इसमें भी कितना अच्छे से पौधा रेडी हो गया, और जब इसमें फ्लोरिंग हुई तब जाके मुझे पता चला कि इस वाले प्लांट में एक और मेरा प्लांट रेडी हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाते हैं इनके सीड्स से ही। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ कि इस प्लांट को जो सनलाइट है, धूप की बहुत ही आवश्यकता होती है, धूप में फ्लोरिंग बहुत अच्छे से फ्लोरिंग होती है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसे मतलब 5-6 घंटे की धूप में रखते हैं, और वैसे प्लांट जो है
पानी कम ही मांगता है, लेकिन अगर ये धूप में ज़्यादा रखा रहेगा फ्रेंड्स तो हमें पानी भी डालना पड़ेगा, क्योंकि वैसे ओवर वाटरिंग तो हमें किसी भी प्लांट में नहीं करना है फ्रेंड्स। बस हमारी मिट्टी जो है वेलड्रेन बनी रहे और किसी भी पॉट में पानी नहीं रुका होना चाहिए फ्रेंड्स। अगर पानी रुका रहेगा तो इसकी जड़ें बहुत ही जल्दी से खराब हो जाती है और हमारा प्लांट पूरा खराब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वैसे प्लांट पानी कम मांगता है, लेकिन समर टाइम गर्मी टाइम में और इसको धूप में रखना पड़ता है इस प्लांट को, तब इसमें अच्छे से फ्लोरिंग होती है। तो फ्रेंड्स इसको अगर हम धूप में रखेंगे तो इसकी मिट्टी अगर सूख जाती है तो हमें वाटरिंग करना है, ऐसा नहीं कि ये कम पानी की ज़रूरत है तो हम इसमें पानी नहीं डाले। तो फ्रेंड्स इसमें हमें पानी जो है डालना पड़ेगा गर्मी टाइम में, और बस हमें इतना ही ध्यान रखना है कि इसमें पानी भरा नहीं रहे और वेलड्रेन रहे। इसमें हम इस तरह से हमें जो धूप और पानी को देखते हुए इस प्लांट का भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि पानी कम मांगता है, लेकिन अभी गर्मी टाइम है तो हमें इसमें पानी डालना पड़ेगा। और आप देख सकते हो कितने अच्छे से फ्लोरिंग हो रही है। और फ्रेंड्स ये तो मैंने अब इसमें जो है देखो बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग हो रही है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ फर्टिलाइजर की, तो ये वाला प्लांट देखो फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं था कि मेरे इसमें ग्रो हो गया है, वो फ्लोरिंग आने के बाद मुझे पता चला। तो देखो मैं इसकी कटिंग नहीं कर पाई, तो फ्रेंड्स अगर हम कटिंग नहीं करते तो ये सीधे के सीधे एक ही ब्रांचेस होती है और ऐसे एक दो ही फ्लोवर ब्लूमिंग होते हैं। अगर हम इनकी कटिंग करते रहे तो आप देख सकते हो पौधे इतने घने हो जाते हैं और एक ही में से इतने फ्लोरिंग होती है। तो हमें इसकी जो है कटिंग करते रहना है प्लांट की। और फ्रेंड्स मैं फर्टिलाइजर की बात करूं तो वैसे हम इसमें जो हर मंथ हमें जो है फर्टिलाइजर डालना ही है, क्योंकि ये हेवी ब्लूमिंग करता है। और फ्रेंड्स हेवी ब्लूमिंग अगर हम जो भी फ्लोरिंग प्लांट होता है तो हमें उसमें जो है फर्टिलाइजर तो डालना ही, नहीं तो फ्लोरिंग नहीं होती है। तो फ्रेंड्स हमें महीने में एक बार फर्टिलाइजर डालना है। हम जो है इसमें एनपीके के दाने डाल सकते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर बनाकर, गोबर की जो सड़ी खाद होती है वो फर्टिलाइजर हम बनाकर डाल सकते हैं, किचन वेस्ट पिल्स का डाल सकते हैं और सरसों खली का डाल सकते हैं। तो बहुत सारे फर्टिलाइजर होते हैं जो हम इसमें डाल सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें कितनी सारी ढेर सारी अभी तो बड़ सारी कलियां बन रही है, तो इनमें बहुत ही फ्लोरिंग होगी। और फ्रेंड्स आप देख रहे हो एक छोटी सी पॉलीथीन में भी मैंने इसे ग्रो कर रखा और कितना लंबा हो रहा है प्लांट। तो फ्रेंड्स हम इन्हें जो इस तरह पॉलीथीन्स में भी ग्रो कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं सोइल की बात, तो आप देख सकते हो मैंने एक छोटी सी पॉलीथीन में रेडी कर रखा है और ये भी पूरा सोइल से भरा हुआ नहीं है फ्रेंड्स। नीचे मैं आपको बताती हूँ कि इनमें सूखे पत्ते और नीम के सूखे पत्ते हो, नीम के सूखे पत्ते होंगे तो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि जो मिलीबग कीड़े वगैरह लग जाते हैं तो वो लगने का डर कम ही रहता है फ्रेंड्स। तो हम जो ये नीम ऑयल, जो नीम के सूखे पत्ते हैं, मूंगफली के छिलके, जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है, और फ्रेंड्स हमारे गार्डन में तो डेली इतना निकलता है कि हमें सूखे पत्ते हम अपने गार्डन के जो निकलते हैं उनको ही हम इसमें भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें जो अपना गार्डन में से जो भी सूखे पत्ते ब्रांचेस कुछ भी निकलता है हमें फेंकना नहीं है, उन सभी को अपने वापस से हमें हमारे गार्डन में ही उनको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स नीचे जो है मैं इनमें जैसे पॉलीथीन छोटी होती है तो मैं ऐसा नहीं कि पूरा है उसको भर देती हूँ, पॉलीथीन छोटी होती है तो मैं इतना इतना जो है उसमें सूखे पत्ते और मूँगफली के छिलके भर देती हूँ, उसके बाद जो हम सोयल रेडी करते हैं वो इसमें भर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस प्लांट को जो है कुछ पहले तो मैंने सीड्स से ही इन प्लांट को ग्रो करा था, और हम सीड्स डालते तो बहुत सारे प्लांट रेडी हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसे सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं, इनके बीजों से भी, और हम इन्हें जो है कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, इनकी कटिंग लगाने पर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। और फ्रेंड्स इसमें जो है फरवरी से जो है अक्टूबर तक तो फ्लोरिंग होती ही है, तो ऐसे प्लांट हमें हमारे गार्डन में लगाना ही है जिससे फ्लोरिंग हो, हमारा गार्डन जो फूलों से ही लदा हुआ रहे। फ्रेंड्स हमारे सोइल की भी बात हो गई है, तो फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं पॉट की। जैसे आप देख ही सकते हो मेरे सभी पॉट की साइज छोटी ही है,
एक छोटे से पॉलीथिन्स में भी अच्छे बड़े बड़े प्लांट हो रहे हैं, इनकी कटिंग करते रहेंगे तो अच्छा घना भी रहेगा। और एक छोटे छोटे पॉट में भी लगा रखे हैं मैंने, आप देख सकते हो कितने घने हो रहे हैं प्लांट मेरे। तो फ्रेंड्स कटिंग करते रहना है, और अगर हम और बड़ी साइज चाहते हैं इन प्लांट की तो हम इन्हें दूसरे पॉट में, बड़े पॉट में रिपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने लगाए रखे हैं और इनको और बड़े पॉट में भी कर देंगे तो ये अच्छे से और बड़ी साइज हो जाएगी इनकी, क्योंकि पॉट के अकॉर्डिंग ही प्लांट ग्रो होता है। और आप देख भी सकते हैं इनकी जो रूट्स है वो भी बाहर निकल रही है पूरी, कितनी सारी रूट्स, सारी जड़ें बाहर आ रही है। तो इन्हें बड़े प्लांट में भी रिपोर्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हमें जो है इस प्लांट पर मिलीबग कीड़े का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है, तो इस प्लांट को बचा के रखना है। हम वेट ना करें कि मिलीबग कीड़े लगेंगे तभी हम ऑयल, ऑयल जो नीम ऑयल स्प्रे होता है जो मार्केट में मिलता है, या तो हम मार्केट से भी ला सकते हैं या फिर हम उसे जो है घर पर भी रेडी कर सकते हैं नीम के पत्तों से। मैंने आपको बताया भी था कि हमें नीम ऑयल जो है हम घर पे कैसे बनाकर अपने पौधों के लिए डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें इस ये जो प्लांट है इस पे मिलीबग कीड़े का बहुत ही ज़्यादा अटैक होता है, तो हमें बहुत ही ध्यान रखना है। हम पहले से ही महीने में एक बार तो हमें नीम ऑयल स्प्रे करते रहना है ताकि इन पे कोई मिलीबग कीड़े नहीं लगे। एक बार लगने के बाद प्लांट बहुत ही जल्दी से खराब हो जाता है। बहुत ही सुंदर फ्लोरिंग है फ्रेंड्स, और जब ये सूखने के बाद तो और बहुत ही सुंदर हो जाते हैं, सारे पीले जो इसके फूल है पूरे खिड़ जाते हैं और पूरा गोल हो जाता है, और उसके बाद थोड़ा और सूख जाता है तो ब्लैक ब्लैक हो जाता है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये वाला अभी देखो आप, बहुत ही सुंदर फ्लोरिंग है। और फ्रेंड्स ये छोटे से छोटे पॉट में भी हम ग्रो कर सकते हैं, आप देख ही सकते हो कि मैंने पॉलीथिन्स में भी ग्रो कर रखी है, इनमें भी फ्लोरिंग हो रही है।